लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत पचौत पंचायत में अवैध मिट्टी खनन कर रहे जेसीबी सहित ट्रैक्टर को सीओ सुबोध कुमार ने जब्त कर बेलदौर थाना ले गए, जहां जेसीबी चालक जेसीबी छोड़कर फरार हो गया। हमारे खगड़िया संवाददाता सुमरेश कुमार यादव ने बताया, सोमवार को अंचलाधिकारी बेलदौर सुबोध कुमार ने मुरली बहियार से जेसीबी समेत ट्रैक्टर को मिट्टी से लदा हुआ बरामद किया, जिसे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले, बेलदौर प्रखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं के द्वारा जेसीबी के माध्यम से मिट्टी कटाई कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। जब किए हुए ट्रैक्टर मालिक अंचलाधिकारी से आरजू प्रार्थना करते रहे, लेकिन सीओ कुछ भी नहीं सुने। अपने ड्राइवर के द्वारा दो ट्रैक्टर मिट्टी से लदा हुआ था थाना परिसर में लाए, और वहीं अंचलाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि बेलदौर प्रखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं के द्वारा मिट्टी कटाई कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर मुरली बहियार पहुंचकर दो ट्रैक्टर समेत जेसीबी को बरामद किया, एवं चार ट्रैक्टर खाली थे जिसको छोड़ दिया गया। खगड़िया से सुमलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। आज अवैध मिट्टी खनन में क्या सब कार्रवाई हुई है? दो ट्रैक्टर मिट्टी लोड और एक जेसीबी पकड़ा गया है, जिसमें ट्रैक्टर को जो है थाना ले जाया गया है। जेसीबी का जो है लॉक लगा हुआ है, कोई ड्राइवर उपलब्ध नहीं होने कारण अभी ले जाया नहीं जा सका। प्रयास किया जा रहा है कि कोई ड्राइवर मिल जाता है तो इसको भी थाना में लगा दिया जाए। अभी तक क्या सब कार्रवाई हुई है? अभी तो चल जाती है तीनों गाड़ी, तो जो भी यथोचित कार्रवाई है नियमानुसार की जाएगी। अच्छा, लोगों का कहना है कि निजी जमीन में मिट्टी काट रहा है, तो फिर कैसे, किस आधार पर पकड़ रहे हैं लोग? परमिशन जो है नहीं लिया गया है इसमें किसी तरह का, ना खनन विभाग से अनुमति लेकर भी कहीं अति किया जाना चाहिए, लेकिन वो अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति का क्या सब कार्रवाई हो सकती है? अनुमति का जो भी फाइल है खनन विभाग का, वो किया जाएगा इसमें।